हाय गाइस, दिस इज रिकलेन सबसन गुरु और आज हम हैं फोर्नेट के भी सबसन में, जहां पर अपना 220 के भी SF6 गैस सर्किट ब्रेकर में लीकेज का प्रॉब्लम आया है। उस लीकेज के प्रॉब्लम की वजह से अपना सर्किट ब्रेकर का जो गैस प्रेशर है वह कम हो गया है। उसका जो गैस प्रेशर है 0.73 से 0.75 रहना चाहिए, बट वो जो नीचे आकर 0.64 हो गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर मीटर में देख पा रहे होंगे, तो उसको जो है अपन जो है SF6 गैस भरकर उसके प्रेशर को मेंटेन करने वाले हैं। तो इसको इस काम को जो है किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं और इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, हम इस वीडियो के माध्यम से भी जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से 21 बार का जो यह टैंक लाया गया है SF6 गैस का, तो उसमें जो है SF6 गैस भरी हुई है और इसके इसमें उपस्थित गैस को जो है अब अपन ऊपर अपने सर्किट ब्रेकर में ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप एक रेगुलेटर देख रहे हैं, उसको अपन जो है टाइट कर रहे हैं और उसमें जो आप दो जो है मीटर देख पा रहे होंगे उस साइड, उसमें एक इनपुट मीटर है और एक आउटपुट मीटर है, मतलब इनलेट मीटर और आउटलेट मीटर है। ठीक है, इनलेट होगा उसको दिखाएगा और आउटलेट जो बाहर आता है उसको दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसका ये ओपन क्लोज का टर्मिनल है। जैसे ही अपन इसको रोटेट करेंगे तो यह अपना जो टैंक है वो ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। और यह जो ब्लैक कलर का रोटेशन वाल्व देख रहे हैं वह है इस गैस टैंक का प्रेशर वाल्व है। ठीक है, इसको अपन जो जब टाइट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इसका जो नीचे पंच का वो दिया हुआ है, इसमें जैसे कि इसको अपन टाइट करेंगे तो वैसे ही अपने टैंक में जो है प्रेशर जाएगा अपने रेगुलेटर के जरिए, जिससे कि अपना जो गैस है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हम इसको रोटेट करेंगे, उसके बाद जो है गैस का जो प्रेशर है वो अपने सर्किट ब्रेकर में पहुंचने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्लीट इसका प्रोसेस, उसके बाद जो है अब इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ सर्किट ब्रेकर का जो आउटलेट हिस्सा है, जो आपका उस इस तरफ से देखेंगे तो उसको इनलेट बोलेंगे, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर तरफ से देखेंगे तो उसको आउटलेट बोलेंगे। तो इसका जो इनलेट हिस्सा है जो यहाँ से अपन देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पर उसको कनेक्ट किया जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है प्रेशर उसका पहले से ही फोटो ले लिया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से उसका मीटर जो है अभी 0.64 0.63 के बीच में शो हो रहा है। तो ठीक है, अभी इसका कनेक्शन किया जाएगा इस पाइप के जरिए, और वहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ है उसको मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ कि वह वाल्व जो है किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जा रहा है, और अभी जिस इंडिकेटर का यूज़ किया जा रहा है उसे गैस लीकेज इंडिकेटर कहते हैं, जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि अपने टैंक में से जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है वो लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी जैसा कि आप सुन रहे होंगे, अब अभी सर्किट ब्रेकर के जिस हिस्से से अपन जो है गैस को इनलेट करने वाले हैं, उस हिस्से का भी अपन जो है गैस लीकेज टेस्ट करने कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अपने इंडिकेटर के द्वारा जो है उसको चेक किया जा रहा है। तो उसमें भी अभी साउंड आ रहा है, तो वहाँ पर भी अभी थोड़ी मात्रा में जो है लीकेज का प्रॉब्लम चल रहा है, उसको अपन फिक्स करने वाले हैं। उसके बाद जो है अपना जो पूरा काम है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर इसका प्रेशर मीटर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसका जो प्रेशर मीटर है वो 0.64 से 0.65 के बीच में अभी इंडिकेट हो रहा है, उसको जो है अपन को 0.73 से 0.75 तक हम इसको ले जाने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे कि इस प्रकार से कभी गैस इसमें सर्किट ब्रेकर में डाला जाएगा प्रेशर के जरिए, जिससे कि इसका जो प्रेशर मीटर है वो जो है 0.65 से आगे बढ़कर 0.73 0.74 पहुँचने वाला है। तो ठीक है, जैसे कि आप अभी आप प्रोसेस देखने वाले हैं, तो अभी इसका स्पीड अभी हम बढ़ाने वाले हैं जैसे गैस प्रेशर का, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे इसका जो स्पीड बढ़कर जो है, जैसे आप प्रेशर मीटर का भी देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अपन जो है वहाँ से जो है उसको ओपन कर लिए हैं, जिससे कि प्रेशर हाईली प्रेशर की वजह से आपके टैंक में से जो गैस है वो अपने सर्किट ब्रेकर में जाने लगा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे आप, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपना जो गैस प्रेशर है वो 0.64 से अब 0.68 तक पहुँच गया है, और वहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अपने गैस टैंक में से अपने जो वाल्व को है उसको थोड़ा पूरा घुमा दिया गया है, जिससे कि हाईली प्रेशर जो अपने सर्किट ब्रेकर में जा रहा है और गैस जो है उसमें पहुँच रहा है अपने सर्किट ब्रेकर में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपना रेगुलेटर को घुमा कर जो है अपना गैस को जो है टैंक में से गैस को अपने सर्किट ब्रेकर तक पहुँचाया जाता है। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे देख पा रहे होंगे कि इसका धीरे धीरे इसका जो प्रेशर मीटर है वो आगे बढ़ रहा है, और एक टाइम बाद जब वो 73 या 74 के बीच में आ जाएगा तो उस टाइम हम इसको स्टॉप कर देंगे इस ऑपरेशन को। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
अपना जो सर्किट ब्रेकर का गैस प्रेशर है वो 0.74 तक आ चुका है। तो इसके बाद जो हम अब इस ऑपरेशन को जो है स्टॉप करने वाले हैं, तो यहाँ पर अब इसका कनेक्शन जो है निकाला जा रहा है। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि किस जगह लगाया गया है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसका वाल्व जो है किस प्रकार से निकाला जाता है, जो अपना गैस प्रेशर का वाल्व है जो अपने पाइप से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से निकाल दिया जाता है। तो अभी मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ कि इसका जो वाल्व है उसके अंदर जो है किस प्रकार से प्लग लगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह जो आप वाल्व देख रहे हैं अपने रेगुलेटर का, वो उसको जो है अपने सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट किया जाता है, जिसके जरिए जो यहाँ से इस टैंक से जो है गैस प्रेशर है, जो गैस होता है एसएफसी गैस होता है, वो अपने सर्किट ब्रेकर तक पहुँच पाता है। तो अब इसका काम हो चुका है तो पूरी तरह से, ठीक है। तो अब इसको अब निकाला जा रहा है इसके कनेक्शंस को, रेगुलेटर को, फिर उसके बाद जो है पुनः अब इस टैंक को जो है अपने स्टोर रूम तक ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद अपना काम जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे जो है इस गैस टैंक से अभी इसके रेगुलेटर को जो है निकाला जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसका कार्य जो है पूर्ण हो गया है। तो उसके बाद में इसको रख दिया जाएगा। तो अभी देख सकते हैं किस प्रकार से इसको जो है गैस रेगुलेटर को निकाला जा रहा है, इसके वाल्व को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसी प्रकार प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।